يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 178 اور 179۔ ان دونوں آیتوں میں اور اس کے بعد کی آیات میں، بلکہ یہاں سے اور سورہ بقرہ کے آخر تک تھوڑے تھوڑے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں پر ابھارا، اور یہ صاف کیا گیا کہ نیکیوں کے شعبے کتنے ہیں اور کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل صاف ہو گئی تھیں۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان احکامات میں پہلا حکم یہ ہے، یوں فرمایا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ مقتولین کے سلسلے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کے جو لغوی معنی آتے ہیں، جو لفظی معنی آتے ہیں، وہ ہے مماثلت، ایک جیسا۔ اس کے بعد فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ دراصل یہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے اس سلسلے کا کہ اگر کوئی دوسرے ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا حکم کیا ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو جان بوجھ کر مارا، قتل عمد، کسی ایسے ہتھیار سے، کسی ایسی چیز کا استعمال کر کے مارا جس سے ذبح وغیرہ کیا جاتا ہے یا گوشت وغیرہ کے بنانے میں جو چیز کام آتی ہے، بہرحال قتل کر دیا، تو قرآن نے اعلان کیا کہ اگر مارنے والا قاتل آزاد ہے، مرنے والا آزاد ہے، تو اس کے بدلے میں جس نے مارا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ اور اگر مرنے والا غلام تھا تو جس نے مارا ہے اسی کو مارا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی گردن ماری جائے گی۔ ہاں اگر قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، شکار کھیل رہے تھے،
किसी जानवर के शिकार के लिए निशाना लगाया, तीर किसी इंसान को जा लगा या गोली किसी इंसान को जा लगी तो मसला अलग है, वो कत्ल ख़ता कहलाता है, यानी इरादा नहीं था लेकिन जान चली गई मेरे हाथ से, उसकी भी सज़ा है। तो यहाँ फरमाया जानबूझ कर मार दिया, मरने वाला आज़ाद, मारने वाला तो उसका बदला भी आज़ाद ही है। ये उस ज़माने के एतबार से आयात हैं। अब यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर मालदार ने गरीब को मारा तो ऐसा नहीं कि गरीब मरा है तो इसके बदले अब मालदार की तरफ से किसी गरीब को मारा जाए, नहीं, जिसने मारा है वही। अगर औरत है ये काम करने वाली तो औरत कत्ल की जाएगी। उसके बाद फरमाया फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, अगर मक्तूल यानी जिसको कत्ल किया गया है उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी मिल जाए, फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो नेकी का रास्ता अपनाओ, व अदाउन इलैही बिहसान, और सीधे सीधे रास्ते पर चलकर नेकी के साथ उनको अदा कर दो, ये है इसकी दूसरी शक्ल कि अगर किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया। असल कानून तो ये है कि इसकी गर्दन मारी जाए। अब क्यों मारी जाएगी और इसके फ़ायदे क्या होते हैं क़िसास के, ये भी आगे आएगा कि इस्लाम ने यह कानून बनाया क्यों। पहले मज़हबों में अलग अलग कवानीन थे, ये दुनिया के मुल्कों में अलग अलग कानून हैं, मगर इस्लाम इस कानून को क्यों कहता है कि इस पर आप अमल करो, बहुत से फ़ायदे भी बात आएगी। तो फरमाया कत्ल कर दिया, अब जिसको कत्ल किया गया अगर वो ये कहें कि हम कत्ल नहीं करेंगे बदले में, हमें दीयत चाहिए यानी बदला जान का, तो उस सिलसिले में तीन चीज़ें हैं और वो ऐसी हैं कि इंसान की नस्लों की जायदाद बिक जाएगी। नंबर एक, 100 ऊँट या उनकी कीमत, और 100 ऊँट आज के ज़माने में लगाएं बहुत बहुत ज़्यादा दौलत की ज़रूरत पड़ेगी, या उसके बाद 1,000 दीनार या 5,000 दिरहम, इतनी बड़ी कीमत है। यानी सोने से देना चाहें तो 1,000 दीनार, चांदी से देना चाहें तो 5,000 दिरहम, अगर आपको बदला देना है। कोई अगर ये कह दे हम इसको नहीं मारेंगे, हमें अपने भाई या अपने मरे हुए जिसका भी हमसे ताल्लुक था, भाई हो बाप हो कोई भी हो, इसका बदला चाहिए, तो कुरान ये कह रहा है कि अब आपको दीयत देनी पड़ेगी। पहली बात तो माफ़ कोई नहीं करता, हर एक को बदला चाहिए। अगर माफ़ कर ही दिया तो कुरान कह रहा है फत्तिबाउम बिल मारूफ, नेक बन जाओ, सीधे रास्ते पर चलो और उसको उसकी दीयत अदा करो। अब फैसले की जगह बैठे, काजी के सामने करार कर लिया कि नहीं हम दीयत दे देंगे, फला वक्त तक अदा कर देंगे। अब मुतय्यना जो वक्त दिया गया, जो लिमिटेड टाइम था, उसमें नहीं दे रहे, टाल मटोल है, आगे पीछे कर रहे हैं। और क़ुरान ने कहा ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, याद रखो जान का बदला जान है, मगर ये तो अल्लाह मेहरबान हैं कि इसने ज़रा सी छूट दे दी तुम पर रहम करते हुए। और नासल कानून तो ये कि गर्दन इसने कत्ल किया है, गर्दन मारी जाए। हाँ, छूट ये दे दी कि अगर मक्तूल के घर वाले दीयत पर राज़ी हैं तो आप दीयत दो, अब टाल मटोल नहीं चलेगी। उसके बाद फरमाया फमन इतदा बाद ذلك, मिसाल के तौर पर मामला तय हो गया कि हम दीयत देंगे आपको, इतनी कीमत है, ठीक है, या
जिसको कत्ल किया गया, जिसने जिसको कत्ल किया है ये कहते हैं इन्हें हमने आपको माफ़ कर दिया, या इन्होंने दियत भी वसूल कर ली उसके बाद भी मुकदमा कर रहे हैं अदालत में जाकर। तो कुरान कह रहा है कर लो यहाँ, फमन इअतदा बादा ज़ालिक, अगर इस कानून के बाद भी किसी ने बगावत की, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो हमारे पास तो आना है, हमारे पास तो आना है, चाहे मारने वाला का करे मारने के बाद कत्ल के बाद, या जिसको कत्ल किया गया है उसके घर वाले कानून के खिलाफ काम करें। तो कुरान कह रहा है आना तो है हमारे पास, आप खून का बदला भी वसूल कर लें और दोबारा जाकर परेशान करने के लिए मुकदमा भी करें, मुकदमे भी दर्ज कराएं, तो अल्लाह तो देखने वाला है, तो ये तो होगा। और उसके बाद वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, बदला लेने में तुम्हारे लिए ज़िंदगी ही है अगर अक्लमंदों के लिए, ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो। क्या मतलब कि अगर कोई ये इश्काल करें कि इस्लाम का कानून बड़ा सख्त है, किसी ने कत्ल कर दिया तो गर्दन मार दी जाएगी, किसी औरत ने मार दिया तो कत्ल कर दिया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं गौर करो तुम्हारा ही फ़ायदा है। कैसे? अगर ये कानून जहाँ भी नाफिज है वहाँ कत्ल की तादाद बहुत कम होती है, किसी ने कत्ल कर दिया, जज ने, हाकिम ने, काजी ने, सुल्तान ने फैसला सुनाया बदले में कत्ल किया जाए, तो उसकी सज़ा को देखकर न जाने लाखों अफराद ऐसे होंगे जिनके जहन में कत्ल का ख्याल भी नहीं आ सकता, ख़त्म। एक को सज़ा दी जाएगी, बहुत लंबा असर है। इसी बात से कुरान कह रहा है कि इसमें बड़ा फ़ायदा है, गौर करो। और जिन मुल्कों में या जहाँ भी जिन कवानीन में कातिल को ढील दी जाती है, मर्डर करके गए, 5 साल रहे, बाहर आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब तो हकीकत ये है कि जिसके पास पैसा वो 2 दिन बाद भी बाहर है, 1 दिन बाद भी बाहर है। इस्लामी कानून ये कहता है कि अगर इस सज़ा पर अमल कर लिया जाए, जहाँ इस्लामी मुकम्मल इस्लामी हुकूमत हो, नामुमकिन है कि वहाँ कत्ल का बाजार हो, नामुमकिन है। बल्कि इस आयत की तशरीह और तफसील और सामने आएगी कि कुरान ने यहाँ तक कहा है कि नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, बहुत गहराई में कि जो जैसा करेगा वैसा बदला दिया जाएगा, कुछ भी हो। इसी बुनियाद पर तो कुरान कह रहा है अस्सारिक वस्सारिकत फक्तउ अयदीहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, चोर अगर पकड़ा जाए, औरत हो या मर्द, हाथ काटिए आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का पर हैं, जब मक्का फतह हो गया तो आप अपने खीमे में हैं, मक्का मुकर्रमा में एक बहुत बड़े ख़ानदान की औरत ने चोरी कर ली, मालूम हो गया किसने चोरी की है, अल्लाह के नबी की बारगाह में मुकदमा लाया गया, फैसला हुआ हाथ काटा जाएगा। और बड़े ख़ानदान की औरत, ये दुनियावी आम मिजाज है, किसी बड़े ख़ानदान का हो तो लोग बड़ी मदद करते हैं किसी तरह बचा लिया जाए, इज़्ज़त का मसला है, ज़माना क्या कहेगा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको अल्लाह के नबी ने पाला भी और अपना मुंह बोला बेटा भी बनाया था, जिनका नाम कुरान में भी आया है 22वें पारे के 2 रुकू में, मुतबन्ना भी बना लिया, हालांकि कुरान ने उस रिवाज और रस्म को ख़त्म कर दिया और अल्लाह के नबी से कहा आप किसी को मुंह बोला बेटा नहीं बना सकते। इन हजरत जैद के एक बेटे हैं हजरत उसामा, अल्लाह के नबी के बड़े चही थे, जिनको कहा जाता था हिब्बु रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के जिगर का टुकड़ा है, सहाबा में बड़ा मशहूर था कि बड़ा चाहते हैं अल्लाह के नबी इनको। जब उस औरत ने जिसका नाम फातिमा था कत्ल किया, चोरी की और फैसला हुआ हाथ काटा जाएगा, तो
तो कुछ सहाबा ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा कि आप ज़रा सिफारिश कर दें, इस औरत का हाथ बच जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद गए हैं सिफारिश लेकर, आपका चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया और फरमाया, लौ क़तियात, लौ सरिक़त फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़तअतु यदहा, कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं छोड़ दूँगा, अगर मेरी बच्ची भी चोरी करती तो मोहम्मद उसका हाथ भी काटता। ये है इस्लामी कानून, कोई तमीज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, सबके लिए बराबर। कुरान इसीलिए कह रहा है कि जहाँ अगर इस्लामी हुकूमत हो, अगर सज़ा पर अमल कर लिया जाए तो बड़े फ़ायदे, न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बच जाती हैं, कितने बेगुनाहों की ज़िंदगियाँ बच जाती हैं। और जहाँ नहीं होता वहाँ ख़ुद देखें आप कि कितनी बदअमनी होती है, किसी मासूम को कोई भी कहीं भी सरे राह कत्ल कर देता है, न वहाँ का अदालती निज़ाम कुछ पूछने के लिए तैयार होता, खूब होता है। और जब तक ये कानून रहा, और अब भी बहुत जगह है, जब तक ये कानून दुनिया के अंदर रहे, कभी भी चाहे मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले गैर मुस्लिम भी क्यों ना हुए, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। और हाँ, इस सिलसिले में एक बात और याद रखें, अल्लाह न करे वाकया पेश आ जाए, किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया। अब ऐसे नहीं कि ख़ानदान वाले खुद ही जज, खुद ही हाकिम, खुद ही हकम, खुद ही सुल्तान के नहीं हम ही बदला ले लेंगे, नहीं, ये मामला भी पहले काजी के पास जाएगा। खुद किसी को इजाज़त नहीं है कि सब कुछ हम ही बन जाएं, चाहे इस्लामी हुकूमत ही क्यों ना हो। यहीं से मालूम होता है कि इस्लाम इसका सख्त मुखालिफ है कि कोई कानून को अपने हाथ में ले। हर मुल्क का एक सिस्टम होता है, किसी का कोई भी बंदा या बंदी कत्ल हुई, उन्होंने फ़ैसला किया हम मारेंगे, ये नहीं चलेगा। इस्लामी हुकूमत भी हो, आप मुकदमा कायम करें, गवाह आकर गवाही देंगे, हमने ख़ुद देखा है, फैसला हो जाएगा कि इसकी कत्ल, इसकी गर्दन मारी जाएगी, इसको क़िसास में कत्ल किया जाएगा। तो इन दोनों बातों से चंद बातें मालूम हुई कि नंबर एक तो ये कि अगर कोई मारने वाला आज़ाद है तो उसको मारा जाएगा आज़ाद के बदले में, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। दूसरी चीज़ ये है, हाँ अगर मक्तूल के वारिसीन उसके घर वाले माफ़ कर दें हमें दियत दो, तो दियत देनी पड़ेगी, उसमें भी टाल मटोल नहीं चलेगा, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। और उसके बाद दियत लेने के बाद और मक्तूल के घर वाले परेशान करने के लिए मुकदमा करें, झूठ बोल दें हमने तो नहीं लिया, तो खुदा फरमा रहा यहीं तो तुम धोखा दे सकते हो, हमारे पास तो आना है। और आखिरी चीज़ ये मालूम हुई कि इस सज़ा के नाफिज करने में इंसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। दुआ फरमाएं जो बातें हमारे सामने आईं, अल्लाह तबारक व तआला इखलास नीयत के साथ अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।